खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज। नगरीय निकायों के परिणाम की स्थिति लगभग साफ हो गई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पेगवार जी हैं, सीधे हम उनसे बात करते हैं। जी सर, लगातार जो सोमवार से जो रुझान आ रहे हैं और जो भाजपा के अभी लगातार भोपाल में भी आगे चल रहा है प्रत्याशी की बात करें, महापौर प्रत्याशी, किस नज़र से देखिए, कहीं ना कहीं अंडर करेंट भोपाल में भाजपा को लेकर रहा है और उदयपुर की जो घटना हुई उसके बाद एकदम जनता का मूड स्विंग हुआ है, जिसका बहुत ज़्यादा फायदा भाजपा को मिला है। क्योंकि कई वार्डों में जब चुनाव शुरू हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि भाजपा भोपाल में एक तरफा नहीं जीतेगी, लेकिन जब नतीजे आए हैं तो बिल्कुल साफ है कि भाजपा ने एक तरफा जीत को, कांग्रेस के कई बड़े नेता सुधीर गुप्ता, अमित शर्मा, मनीष यादव, जो चार चार बार से चुनाव जीत रहे थे, लगातार जीत रहे थे, भी चुनाव हार गए। और यही वजह रही कि अभी 8वें राउंड में भाजपा की महापौर की लीड 90,000 हो गई है, जिसकी खुद मुझे लगता है कि भाजपा को खुद उम्मीद नहीं रही होगी। सर, इस बार कम वोटिंग हुई थी, ऐसे में जो लगातार जब भी कम वोटिंग होती तो ये कयास लगाए जाते हैं कि कांग्रेस को इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इस बार पूरा उल्टा हो गया है, बड़ी स्थिति कांग्रेस की यहाँ पर ख़राब दिख रही। हाँ, कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस को आत्म अवलोकन करना पड़ेगा कि कम वोटिंग परसेंटेज के बाद भी कांग्रेस भोपाल में फाइट में भी नहीं नज़र आई है। लोग उदासीन रहे मतदान के प्रति, या मतदाता पर्चियां नहीं पहुंची, जो भी कारण रहे, लेकिन भोपाल में लगभग 50% मतदान हुआ, उसके बाद भी सत्ताधारी भाजपा को भोपाल में ज़बरदस्त बढ़त मिली है, जो कि कांग्रेस के लिए कुछ समीक्षा का, आत्मावलोकन का विषय है। सर, इसके अलावा बात करें उत्तर और मध्य में, यहाँ कांग्रेस की ज़्यादा दावेदारी हो रही थी, ज़्यादा पार्षद आई, लेकिन जब रुझान सामने आए तो स्थिति इसके उलट रही, इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, उत्तर भोपाल और मध्य भोपाल में कांग्रेस व्यक्तियों पर निर्भर है, उत्तर में आरिफ अकील जी पर और मध्य में आरिफ मसूद जी पर। कांग्रेस भोपाल में यूनाइट या किसी एक विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत एकता के साथ या संगठन की क्षमता के साथ चुनाव नहीं लड़ी है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। कांग्रेस में कोटा सिस्टम लागू होता है और उस कोटा सिस्टम के कारण जिसका जो उम्मीदवार था वो नेता अपने पार्षद उम्मीदवार को जिताने में लगा रहा, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। सर, इसके अलावा बात करें तो 11 नगरीय निकायों के परिणाम आ रहे हैं, जहाँ पे जो भाजपा के गढ़ थे, जैसे अपन ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें, तो यहाँ भाजपा क्यों पिछड़ रही? देखिए, ग्वालियर और जबलपुर ऐसी नगर निगम हैं जो आज़ादी के बाद से आज तक कांग्रेस ने नहीं जीती थी, और एक सिंगरौली नगर निगम है जहाँ पर आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है। ये भाजपा के लिए बहुत चिंता का विषय होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है और बहुत अच्छे से हो गई है। दूसरा, ग्वालियर और जबलपुर में, ग्वालियर और जबलपुर दोनों जगह से भाजपा के बड़े बड़े नेता पार्टी संगठन में हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में और तमाम जगहों पर हैं, जिम्मेदार पदों पर हैं। वहाँ भाजपा प्रत्याशी चयन में या और बाकी जो गलतियां रहीं उनका खामियाजा भाजपा भुगत रही है। जो रिजल्ट सामने आया है उसमें अब भाजपा और कांग्रेस को क्या सीख की और ज़रूरत है, क्या सुधार की आवश्यकता है दोनों पार्टी? देखिए, भाजपा को तो पूरे प्रदेश में, जैसे ग्वालियर और जबलपुर जैसी नगर निगम गंवाने के बाद भाजपा को बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत है, क्योंकि दो बड़े बड़े अंचल हैं, दो बड़े शहर हैं इस मध्य प्रदेश के, एक जबलपुर, एक ग्वालियर, एक महाकौसा और चंबल, इन दोनों की जो प्रवेश द्वार हैं, वहाँ पर यदि लोगों ने भाजपा को वोट नहीं किया है तो ये 2023 के चुनाव के लिए भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में, ये बाकी दूसरे शहरों में भी कांग्रेस सागर और उज्जैन को भी अपना मान रही थी, लेकिन बाकी जगहों पर कांग्रेस को लगभग नकार दिया है। तो कांग्रेस कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन इस यदि कांग्रेस सेमीफाइनल में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है तो कांग्रेस को चाहिए कि वो विधानसभा चुनाव के पहले हर स्तर पर अपनी तैयारियां करे। बहुत बहुत धन्यवाद समय जगत से चर्चा के लिए। तो आप दिए थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पेगवार जी, जिन्होंने समय जगत से चर्चा की और पूरा जो मतगणना जिस तरह से रोजाना आ रहा है उस पर अपने विचार साझा की। कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे, समय जगत, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the bell icon.